हेलो स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का लेसन फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद किया था। उसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न बचे हुए थे जिनको हम अच्छी तरह से आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जुसेपे मेसिनी। इटली का सबसे महान क्रांतिकारी माना जाता था, जो हमेशा से ही राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करता रहा था। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का एक सदस्य भी बन गया था। 24 साल की युवावस्था में ही उसने लिंगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे उस दल से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उसने दो और भूमिगत संगठन बना लिए थे। सबसे पहले उसने यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मन राज्य जैसे थे, उनके युवा जो इस तरह के ही विचार रखते थे उनके माने जाते थे। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध सबसे पहले यूनान ऑटोमन साम्राज्य का ही एक भाग माना जाता था। यह संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था और यह यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के लिए पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला था, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते थे। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत ही महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। उन्हें पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिया जाने लगा था और बड़ी संख्या में इस कारण महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में तो महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे, अखबार शुरू कर दिए थे और राजनीतिक बैठकों में और प्रदर्शनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उसके बावजूद भी इन्हें असेंबली में जो चुनाव हो रहा था उससे मताधिकार से वंचित रखा गया था। और जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद नामक सभा का आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रशिक्षकों की हैसियत के दर्शकों के रूप में खड़ा कर दिया गया था। मारियान और जर्मेनिया। 18वीं शताब्दी में मारियान फ्रांस, जर्मेनिया जर्मनी के कलाकारों द्वारा बनाए गए मानवीय चेहरे को कहा जाता था। उन्होंने ये कृतियां नारी वेश में बनाई थी और मारियान की तस्वीर फ्रांसीसी गणराज्य का नेतृत्व करती थी और जर्मेनिया की तस्वीर जर्मनी गणराज्य का प्रतिनिधित्व मानी गई थी। इनको डाक टिकटों के ऊपर भी छाप दिया गया था। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के जितने भी मध्यम वर्गीय लोग थे उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा स्थापित राष्ट्र राज्य स्थापित बनाने की घोषणा की थी, मगर राष्ट्र निर्माण की है उदारवादी पहल राजशाही और फौज के ताकत ने मिलकर दबा दी थी। उनका समर्थन पर्शिया के बड़े भूस्वामियों ने भी किया था। उसके बाद पर्शिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व भी संभाल लिया था। उसके बाद 7 साल के दौरान ही ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 प्रमुख युद्धों में पर्शिया की जीत हुई थी और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। और 18 जनवरी 1871 में वर्साए में हुए एक समारोह में पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था।